हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम किसी भी बीमारी के बारे में या उसके ट्रीटमेंट के बारे में नहीं जानेंगे। आज मैं कोशिश करूंगी होम्योपैथी से रिलेटेड कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ मिसकंसेप्शन है, उनको दूर करने की। आपको होम्योपैथी दवाइयाँ किस तरीके से लेनी चाहिए जिससे वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट आपको करें, और उनकी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ एग्रावेशंस जो होती हैं वो क्यों होती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे आज डिटेल से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। फ्रेंड्स, होम्योपैथी के बारे में सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है, सबसे बड़ी जो भ्रांति है, वो है कि मैडम जी, आपकी दवाइयों में परहेज बहुत ज्यादा है। मेरे बहुत सारे पेशेंट दवाई लेने से पहले ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, तो उनको समझाना पड़ता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होम्योपैथी है वो, उसकी मेडिसिन जो है वो आपके टंग से असर करना आपको शुरू कर देती है। यानी कि जब भी आप होम्योपैथी दवाइयां लेते हैं, जैसे ही उसकी गोलियां आप अपने मुंह में डालेंगे तो वहीं से ये असर करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल की चीज खाई है, जैसे कि प्याज, लहसुन, अजवाइन, हींग, इन सब चीजों का आप अपने दिनचर्या में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन होम्योपैथी दवाई खाने से एटलीस्ट आधा घंटा पहले आप वो चीजें ना खाएं और ना ही आप आधा घंटा बाद खाएं, क्योंकि उसका जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है जो आपके मुंह में रहता है, उसका जो स्वाद है जो आपके मुंह में प्रेजेंट रहता है, वो होम्योपैथी मेडिसिन के जो असर है उसको कम कर देता है। क्योंकि वो जो स्वाद है और वो जो स्मेल है, वो उसका जो काम करने का प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब कर देता है। इसीलिए होम्योपैथी दवाइयां खाने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद आप कुछ भी ना खाएं। आप पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पानी वैसे ही शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है, तो आप पानी को पी सकते हैं। लेकिन कोई भी आप चीज ना खाएं, चाहे वो नॉर्मल आपका दाल रोटी ही क्यों ना हो, आप उन चीजों को आधा घंटा पहले कोशिश करें अवॉइड करने की। तो फ्रेंड्स, प्याज, लहसुन, हींग, अदरक, अजवायन, सौंफ, आप कोई भी चीज होम्योपैथी दवाइयां खाने के साथ साथ खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसके आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद नहीं खाना है। दूसरी जो भ्रांति है वो है कि आपकी दवाइयां मीठी होती हैं। मैं शुगर की पेशेंट हूँ या मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मैं ये आपकी दवाइयां नहीं ले सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने सारे पेशेंट्स को भी ये समझाती हूँ कि जो होम्योपैथी की दवाइयां हैं वो शुगर से नहीं बनती हैं। अगर आपका पेशेंट डायबिटिक है और वो दूध का सेवन करता है, यानी कि वो दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स लेता है या मिल्क प्रोडक्ट्स या मिल्क पीता है, तो उस केस में वो होम्योपैथी दवाइयां खा सकता है, क्योंकि होम्योपैथी दवाइयां जो है वो मिल्क का जो लैक्टोज होता है उससे बनता है। मिल्क का जो लैक्टोज होता है उसी को कंसंट्रेटेड फॉर्म करके और उसकी गोलियां बना दी जाती हैं, इसीलिए वो खाने में थोड़ा सा टेस्ट ज्यादा मीठा होता है। अदरवाइज इसमें कोई भी एक्स्ट्रा शुगर नहीं डाला जाता है। तो एक डायबिटिक पेशेंट जो दूध का सेवन करता है, जो मिल्क पी सकता है, वो होम्योपैथी दवाइयां इजीली खा सकता है। होम्योपैथी दवाइयां आपकी डायबिटीज को नहीं बढ़ाती है। उसके बाद जो भ्रांति है वो मेरे पास बहुत कम क्वारी आई है उस तरह की, लेकिन फिर भी मैंने उस तरह की भ्रांति के बारे में सुना है, मिसकंसेप्शन के बारे में सुना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैडम, आपकी दवाइयों में तो शराब जैसी बदबू आती है, अल्कोहल जैसा स्मेल आता है, उस दवाई को लेने से हमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, हमारा लीवर तो खराब नहीं हो जाएगा, या हमारे दिमाग में इल्यूजन्स तो नहीं आने लगेंगे, हमें नशा तो नहीं हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो पेशेंट ठीक होने की बजाय बीमार ना होने लगते। फ्रेंड्स, क्या है, अल्कोहल जो इसमें डाला जाता है वो एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, ताकि आपकी जो दवाइयां हैं वो सालों साल चलती रहे। अल्कोहल जो है उसका सारा का सारा पॉइजनस इफेक्ट जो है, वो सारा इल्यूजन जो इफेक्ट है जो माइंड पे और आपके लिवर पे असर डालता है, उस सारे इफेक्ट को एक प्रोसेस के द्वारा हटा दिया जाता है, और इसको सिर्फ इतना ही
इसकी जो क्वालिटी है वो इतनी ही सेफ की जाती है कि वो एज अ प्रिजर्वेटिव होम्योपैथिक मेडिसिन में काम कर सके, ताकि जो आपकी दवाइयां हैं वो सालों साल चल सके, खराब ना हो। जैसे हम अचार बनाते हैं उसमें नमक डालते हैं और ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो ऑयल और नमक का इस्तेमाल हम एज अ प्रिजर्वेटिव भी करते हैं। नमक का तो टेस्ट के लिए भी करते हैं, लेकिन एज अ प्रिजर्वेटिव भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो अचार जो है वो लंबे टाइम तक चल सके, खराब ना हो। उसी तरह अल्कोहल का होम्योपैथी दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। तो फ्रेंड्स, ये जो मिसकंसेप्शन है वो बिल्कुल ही गलत है, ये धारणाएं बिल्कुल गलत है। उसके बाद जो एक धारणा है वो है कि जी आपकी दवाइयां तो बहुत धीरे धीरे असर करेंगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एलोपैथी दवाइयां जो है नॉर्मली एक्यूट फीवर या एक्यूट आपको कोई कफ या कोल्ड की प्रॉब्लम है उसमें 5 से 7 दिन का काम करती है, 5 से 7 दिन लगाती है आपको ठीक होने में। लेकिन होम्योपैथी दवाई अगर आप टाइम से लेना शुरू करते हैं तो 3 से 4 दिन में आपकी एक्यूट प्रॉब्लम्स को होम्योपैथी बहुत ही आसानी से ठीक कर देती है। तो कैसे हुआ इसका श्लोक? अगर आपको कोई भी बीमारी है और सालों से वो बीमारी आपको अफेक्ट कर रही है, पहले आपने एलोपैथी मेडिसिन का ट्रीटमेंट लिया, देन आप आयुर्वेद लेने लगे, फिर कोई और देशी नुस्खा आपने ट्राई किया, सबसे लास्ट में आप एज ए ऑप्शन होम्योपैथी के पास अगर आते हैं, तो उस वक्त तक आपका जो टाइम पीरियड है बीमारी से अफेक्ट होने का वो बहुत लंबा हो चुका होता है। अगर आप 5-6 साल से किसी बीमारी से अफेक्टेड हैं, तो वो बीमारी ऑलरेडी आपकी बॉडी में इतने सारे नेगेटिव चेंज कर चुकी होगी, बहुत सारे पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंज आ चुके होंगे कि उनको ठीक होने में टाइम बिल्कुल लगेगा। तो होम्योपैथी अगर आप उस वक्त लेना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आपको 6 महीने से साल तक का समय लग सकता है, क्योंकि दवाइयां आपको ठीक करने में तो तुरंत कुछ सेकंड का टाइम लगाती हैं, वो आपको असर करने में, लेकिन पूरी प्रोसेस को ठीक होने में, पूरे नेगेटिव चेंजेस को ठीक होने में आपकी बॉडी में 6 महीने से साल भर का समय लग सकता है। क्योंकि जिस बीमारी को आपने अपनी बॉडी में 8 साल 6 साल 5 साल या 2 साल तक संभाल के रखा था, तो उस बीमारी को ठीक होने में 1 दिन या 2 दिन कैसे लग सकते हैं? डेफिनेटली उस बीमारी को ठीक होने में होम्योपैथी टाइम लगाएगा ही लगाएगा। तो होम्योपैथी सिर्फ क्रॉनिक डिजीज में या कोई ऐसी बीमारी जो आपको बहुत लंबे समय से रही है उस केसेस में ही ज्यादा वक्त लगाता है। अदरवाइज आप इसे अगर एक्यूट केसेस में लेंगे तो आप देखेंगे 2 से 3 दिन में आपकी बीमारी जो है काफी हद तक ठीक हो जाती है। एक जो भ्रांति है, एक जो मिसकंसेप्शन है कि जी हम तो एलोपैथी दवाइयां खा रहे हैं, मान लीजिए आप डायबिटिक हैं, आप डायबिटीज की दवाइयां खा रहे हैं, या आप डायबिटीज के साथ बीपी की दवाइयां खा रहे हैं, या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आप थायराइड की दवाइयां खा रहे हैं, तो आप एलोपैथी दवाइयों के साथ क्या होम्योपैथी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। होम्योपैथी को आप एलोपैथी दवाइयों के साथ खा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया 1/2 आवर का आप गैप रखिएगा और उस केस में आप फिर आप अपनी होम्योपैथी दवाइयां ले सकते हैं। होम्योपैथी दवाइयों को एलोपैथी दवाइयों के साथ बिल्कुल सेवन किया जा सकता है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ भ्रांतियां जिनको मैंने कोशिश की है दूर करने की, कि शायद आप अब होम्योपैथी दवाइयों को इजीली ले पाएंगे या आप होम्योपैथी की तरफ इजीली अपना रुख कर पाएंगे और आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते वक्त घबराएंगे नहीं या ज्यादा सोचेंगे नहीं कि आपको ठीक होने में समय लगेगा। एक और जो भ्रांति है, मिसकंसेप्शन है लोगों में कि आप होम्योपैथी दवाइयों को खाते हैं तो वो आपको पहले एग्रावेशन करती है, यानी कि पहले आपकी बीमारी को बढ़ाती है फिर ठीक करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर केस में ऐसा नहीं होता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपकी जो बीमारी है वो पहले एग्रावेट होती है थोड़ी सी, क्योंकि वो किसी ना किसी वजह से, कोई ट्रीटमेंट लेने की वजह से या किसी और वजह से दब जाती है, तो पहले वो उसको प्रॉपरली बाहर निकालती है देन फिर उसको ठीक करती है, और इस केस को कहा जाता है मेडिसिनल एग्रावेशन। तो ये 1 हफ्ते तक मैक्सिमम आपको अफेक्ट करेगी, देन उसके बाद धीरे धीरे आपके सिम्टम्स जो है वो ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको होम्योपैथी दवाइयां कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है। अगर आपको कोई दवाई अपनी मर्जी से ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो दवाई आपको साइड इफेक्ट कर सकती है। अगर आपको डॉक्टर ने प्रॉपरली गाइडेंस के साथ बताया है, आपने किसी होम्योपैथ से पूछा है कि आपको किस तरह की डोज लेनी है, कौन सी पोटेंसी लेनी है, तभी वो आपको ज्यादा अच्छा असर दिखा पाएंगे। क्योंकि अगर आप गलत पोटेंसी लेते हैं तो वही आपको साइड इफेक्ट आएंगे। अगर आप कोई दवाई जो हफ्ते में एक बार लेनी है और आप उसे रोज ले रहे हैं कि अरे हफ्ते में एक बार लेने से क्या असर करेगी, तो वो दवाई अपने सिम्टम्स आप में प्रूव करने लगती है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में एग्रावेशन हो सकते हैं। और अगर आप ये प्रोसेस लंबे टाइम तक जारी रखते हैं तो बिल्कुल वो आपकी बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट कर सकती है।
तो इसीलिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट खुद लेने से अच्छा है कि आप एक बार किसी होम्योपैथ से कंसल्ट करें, देन उसके बाद ही अपनी मेडिसिन को लेना शुरू करें। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं होप करती हूँ कि शायद होम्योपैथी से रिलेटेड जितने भी मिसकंसेप्शन है वो आपके दूर हो गए होंगे और अब आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने से घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। बाय बाय।